अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम इन लिटिल शेफ माहीन यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही यम्मी वेजी चिकन जम्बो सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। सैंडविच बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 200 ग्राम बोनलेस चिकन जिनको हमने क्यूब में कट कर लिया है, टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून क्रश रेड चिली, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस चाहिए हमें, 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर और इसके अलावा 2 टेबलस्पून ऑयल चाहिए होगा हमें। एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस ऐड कर देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अब स्टेप टू के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 टेबलस्पून होममेड पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून होममेड मायोनीज़, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। 4 सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए हमें, एक खीरा और एक टमाटर जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। इसके अलावा ऑयल ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने स्लाइसेस को ऑयल लगा के क्रिस्पी कर लिया था, आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं। अब हम स्लाइसेस के ऊपर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही थिन लेयर इसकी लगाइएगा पिज़्ज़ा सॉस की। इसके बाद इसके ऊपर चिकन रख देंगे हम। चिकन भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डलेंगी। तो इसके बाद इसके ऊपर टोमेटो पूरा कवर कर देंगे टोमेटो स्लाइसेस से। क्यूकम्बर स्लाइसेस से पूरे सैंडविच को कवर कर देंगे। और इस वेजिटेबल्स का स्पेशल टोमेटो का और क्यूकम्बर का इतना अच्छा टेस्ट आता है ना सैंडविच में। अब इसके ऊपर मायोनीज डाल देंगे हम। दूसरे स्लाइस के ऊपर भी पिज़्ज़ा सॉस की थिन लेयर स्प्रेड करेंगे।
अब हम इसे कट कर लेंगे। और ये हमारा बहुत ही यम्मी वेजी चिकन जंबो सैंडविच रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यम्मी बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।